मेरा नाम राकेश यादव है, कंपनी है एक्सपीरियर टेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। हमें ये टेंडर मिला है गोवा पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर, जो अभी सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस यूज़ कर रहा है और आप कर रहे हैं। ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। इसके अंदर गाड़ी का वायलेशन स्पीड आता है, स्पीड ये मेजर कर सकता है 3 किलोमीटर तक से, 3 किलोमीटर तक से, और उसका पिक्चर ले सकता है 350-400 किलोमीटर से भी। उसके बाद इसमें विदाउट हेलमेट भी हम कल को पकड़ सकते हैं चाहे तो, हम चाहे तो इसमें सीट बेल्ट भी पकड़ सकते हैं, हम चाहे तो इसमें आपका लेन चेंजिंग भी पकड़ सकते हैं, मतलब कई सारे जितने ऑफेंसिज हम इसमें ट्रिपल राइडिंग वो भी पकड़ सकते हैं। और इसका जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो 320 किलोमीटर तक कैप्चर कर सकता है, मतलब गाड़ी का स्पीड अगर 320 किलोमीटर में, इंडिया में कोई नहीं है गाड़ी, अगर ऐसा भी हो तो उसको भी ये कैप्चर कर सकता है। इसमें ऑनलाइन चालान भेजने की क्षमता है, अगर हम चाहें तो इसको ऑनलाइन हम चालान भेज सकते हैं विदाउट एनी मैन पावर। तो इसके अंदर जितने भी वर्ल्ड के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारा इसमें है। इसमें व्हीकल क्लासिफिकेशन भी है, अगर एक ही रोड पर 3 टाइप के व्हीकल हैं, यानी 2-व्हीलर, HMV और LMV, और तीनों की स्पीड अलग अलग है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप डिटेक्ट करेगा कि ये कार है या ट्रक है, उसकी क्या स्पीड है। हाँ। उसकी अगर वो स्पीड वायलेशन है तभी कैप्चर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी नए में पुराने में क्या फ़र्क है इसमें? नया जो था आपका वो पूरा एनालॉग था। हाँ। ये पूरा डिजिटल है, पूरा का पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसके अंदर इतना ज़्यादा डाटा बनता है कि कल को रोड एंड सेफ्टी के लिए हम उसको अलग अलग भी वाइब्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एक्सीडेंट में फैटलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको पर डे, पर मंथ, पर वीक, कौन से रेगुलर ऑफेंडर हैं, कौन सी गाड़ियां रेगुलर ऑफेंडर हैं, कितने 2-व्हीलर ऑफेंडर हैं, कितने 4-व्हीलर ऑफेंडर हैं, वो सारा हम डाटा इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग। तो अभी आप प्रिंट में मैंने देखा कि ये देखिए इसका आप क्लैरिटी देखिए, ये 358 ये है आपका, मतलब इसमें 350-300 मीटर तक से बहुत क्लियर आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बोथ साइड काम करता है। हाँ। यानी अगर इस साइड लगाया है तो जाने वाले का भी स्पीड ले सकता है, आने वाले का भी स्पीड ले सकता है, और आने वाले 10 साल की जो टेक्नोलॉजी है आने वाले उसके लिए भी ये कैपेबल है। स्टोरेज इसमें बहुत ज़्यादा है, 50,000 रिकॉर्ड ये एट अ टाइम इसमें स्टोर हो सकते हैं, 50,000।